एक ही संदेश है जो हमारे पूर्वजों ने आजादी को अपनी कुर्बानियों के द्वारा पाया है, उस आजादी का महत्व आम हमारे बच्चों को समझ में आए, बच्चों तक वो बातें पहुंचे, उनकी कुर्बानियों की कथाओं को वो सुने समझे। हमारी भावनाएं क्या होती हैं जब गाना बजता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, तो आंख में आंसू आ लोगों के आ जाते हैं। ये भावना है, हमारी भावना देश से किस हद तक जुड़ी हुई है इस बात का एहसास कराती है ये ऐसे गीत। और उस एहसास को बच्चों तक हम ना पहुंचाएं तो भविष्य में बच्चे इन चीजों को भूल जाएंगे और शायद इतना महत्व न दें जितना आज हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है, इस स्कूल के माध्यम से जो स्कूल के कार्यक्रम हो रहा है, इन लोगों ने जो बच्चों तक उस बातों को पहुंचाया कि आजादी का महत्व क्या है, जो आज भी हम महसूस कर रहे हैं कि जो आजादी होनी चाहिए थी, नारी शक्ति की बात की, नारी शक्ति यहाँ काफी संख्या में है, नारी शक्ति को किस तरह से स्त्रीत्व को देश में चुनौती मिल रही है, उस चुनौती से बचने के लिए बच्चों को समृद्ध और शिक्षित करना बहुत जरूरी है। देश अगर शिक्षित होगा तो ये ऐसी घटनाओं से वंचित होगा। पटना सिटी में बहुत सारे स्कूल प्राइवेट है, उनको आपके तरफ से क्या संदेश और दिशा निर्देश दिया जाएगा? प्राइवेट स्कूल की बात करें तो आप साहिस्ता प्रवीण का नाम देखे होंगे, वो भी मुफ्त में बच्चों को पढ़ाती हैं। बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम तो समझते हैं संतोष शर्मा जी जिस हद तक अपने को इसमें इन्वॉल्व किए हैं, खुद से लग के जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हम महसूस करते हैं कि समाज के आखिरी व्यक्ति के बच्चे भी पढ़ सकें और शिक्षित हो सकें, ये काम ये प्राइवेट स्कूल वाले बहुत अच्छी तरह से यहाँ कर रहे हैं, और इसका हम इनको शुभकामना देते हैं और प्राइवेट स्कूल वालों को शुभकामना देते हैं। साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि सरकार भी भविष्य में शिक्षा के प्रति और ज्यादा प्रयास यहाँ करेगी। एक आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर होली विजन ग्रुप ऑफ स्कूल के द्वारा यह जश्न आजादी का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे बच्चों में देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना बढ़े और वो भारत के इतिहास को जाने, भारत की संस्कृति को जाने, और भारत ने जिन कठिनाइयों से भारत जूझ कर आज इतना महान हुआ है उनको जाने, इसी को बताने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कुछ सामाजिक कार्यक्रम है, और खास करके हम लोगों का यह उद्देश्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही बेटियां लक्ष्मीबाई होती है, यही बेटियां मदर टेरेसा होती है, यही बेटियां सरोजिनी नायडू और लता मंगेशकर होती है, यही बेटियां कल्पना चावला होती है। इसी उद्देश्य से आज देखेंगे कि ज्यादातर भीड़ जो है वो महिलाओं की है, और यह कार्यक्रम इसी सार्थकता के साथ ये रखा गया है। ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।